सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने 6 घंटे में सुलझाई रोबरी की गुत्थी, 4 गिरफ्तार। सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने रोबरी की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 11,56,000 रुपए की रोबरी की वारदात को अंजाम दिया और मौका वारदात से फरार हो गए। मामले की जानकारी सुभाष पैलेस थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपने सूत्रों को तेज किया और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने रोबरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 11,56,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। साथ ही साथ वारदात में इस्तेमाल 2 बाइकें भी आरोपियों के पास से बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम मुकुंदपुर दिल्ली के रूप में हुई है, वहीं दूसरे आरोपी की पहचान गुड्डू मुकुंदपुर के रूप में हुई है, वहीं तीसरे आरोपी की पहचान कुणाल मुकुंदपुर के रूप में हुई है और चौथे आरोपी की पहचान सुमित जाजा कॉलोनी सुखपुर के रूप में हुई है। आरोपियों ने कुल मिलाकर 14,50,000 रुपये की रोबरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। रोबरी की इस वारदात के बाद जिले के DCP जितेंद्र कुमार मीणा व SHO ACP व SHO सुभाष पैलेस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से 11,56,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। बहरहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम।